हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो में मैं यहाँ पे करने वाला हूँ नॉइज का ईयरबड्स प्रो का अनबॉक्सिंग और देने वाला हूँ इसका ट्रू वाला रिव्यू। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप इधर देख सकते हो 99% ऐसे लोग हैं जो वीडियोज पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन ना ही वो वीडियो को लाइक करते हैं ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो कि गलत बात है। तो वीडियो को लाइक कर लिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए ही यूजफुल वीडियोज बनाई जाती हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसमें क्या क्या हमें मिलने वाला है। सो दोस्तों ये रहा नॉइज का ईयरबड्स प्रो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करें कि इस पर हमें क्या क्या मिल रहा है, मतलब क्या क्या इस पर स्पेसिफिकेशन यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको क्वाइड माइक मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी मोड मिलेगा, अप टू 20 आवर का प्ले टाइम मिलेगा और 1 key रीसेट का ऑप्शन भी मिल रहा है। और यहाँ पे एक हाइपर सिंक भी देखने को मिल रहा है और एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन का भी यहाँ ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इससे पहले मैं यहाँ पे यूज कर रहा था ये नॉइज का ईयरबड्स, जिसमें हमें ये सब सारे फीचर्स देखने को नहीं मिल रहे थे। आप देख सकते हो यहाँ पे केवल फुल टच कंट्रोल मिल रहा था और यहाँ पे 20 घंटे का प्ले टाइम मिल रहा था और यहाँ वाटर रेसिस्टेंट मिल रहा था और USB-C चार्जिंग बस। लेकिन इसमें यहाँ पे कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं और भाई वो तो मिलना ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये प्रो है। सो देखते हैं अब इसमें हम लोग इसके करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या क्या यहाँ पे मिलता है। सो अगर यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग करें तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे केस मिलता है और ये यहाँ पे हमें दे दिया जाता है कुछ मैनुअली यूज करने के लिए, मतलब कि कैसे क्या मिलते हैं, मतलब गारंटेड कार्ड, ये सब कुछ यहाँ पे कैसे इसको यूज करना है ये सब यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग कर देते हैं साइड में। देन उसके बाद भाई साहब ये रहा हमारा नॉइज का ईयरबड्स प्रो, ठीक है। उससे पहले हम लोग पहले इसकी देखते हैं अनबॉक्सिंग, इस पर हमें क्या क्या देखने को मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं ओपन और देखते हैं। अच्छा ये यहाँ पे मिल जाता है कि अपने ईयर के हिसाब से आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हो, जो लगाते हैं ना कान में वो अपने ईयर के हिसाब से इसको फिट कर सकते हो। सो ये भी ठीक है। और यहाँ पे हमें टाइप सी केबल मिल जाता है देखने के लिए, मतलब कि अगर आप चार्ज करना चाहते हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग, मतलब USB केबल है, इससे आप अपने ईयरबड्स प्रो को चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग कर देते हैं इधर साइड में और अपना निकालते हैं ईयरबड्स प्रो। भाई देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और यहाँ पे अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक का है पूरा। और देन उसके बाद इधर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है USB-C चार्जिंग पोर्ट, जहाँ से आप लोग इसको चार्ज कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर पीछे देखा जाए तो यहाँ पे हमें एक रीसेट की देखने को मिलता है, अगर हम लोग इसको होल्ड करके रखेंगे तो अपना ये रीसेट हो जाएगा। वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे, इसकी पहले बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे पूरा मेटल है और ये जो हिंज दिया गया है ये मेटल का दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इस तरीके से ये ओपन होता है, जैसे हम लोग इसको ओपन करते हैं तो ये थोड़ा सा पॉपअप होके ऊपर आता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे ईयरबड्स है थोड़ा सा पॉपअप होके ऊपर आते हैं, सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगता है, काफ़ी अच्छी आवाज़ करता है और काफ़ी अच्छा लगता है। सो यहाँ पे ये रहे इसके ईयरबड्स, देखने में काफ़ी अच्छे हैं भाई साहब। सो फिलहाल यही है इसकी बिल्ड क्वालिटी की, ठीक है। अब इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में अभी बात करेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब जैसे ही मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो काफ़ी स्मूथली ये ओपन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो मेटल का हिंज दिया गया, बाकी सब आप यहाँ पे प्लास्टिक की ये है बॉडी, तो समझ सकते हो कि थोड़ा स्क्रैच आ सकता है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग इसको ओपन करते हैं तो ये थोड़ा सा पॉपअप होके ऊपर आता है और देख सकते हो यहाँ पे देखने में कितने गजब के लग रहे हैं भाई अपने ईयरबड्स, आप देख सकते हो काफ़ी मस्त लग रहे हैं, ठीक है। सो ये रहे इसके, सो ये हैं हमारे नॉइज के ईयरबड्स। अब हम लोग इसके मतलब स्पेसिफिकेशन के बारे में अभी बात करते हैं कि कितना इसका टच कंट्रोल कैसे क्या वर्क करता है, ठीक है। अगर इस ईयरबड्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें आपको यहाँ पे 2 mic मिल जाते हैं, एक ऊपर साइड मिल जाता है और एक नीचे साइड मिल जाता है, जो कि एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन यहाँ पे ऑप्शन दिया गया उस पर ही अच्छा खासा वर्क करता है। और नीचे यहाँ पे आपको 2 charging points भी देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ इधर आपके यहाँ पे वॉइस के लिए मिल जाता है एक इधर स्पीकर और एक इधर स्पीकर। सो जो काफ़ी अच्छा यहाँ पे है देखने में, इसका काफ़ी अच्छा लुक भी लगता है, अगर आप इसको कान में लगाते हो तो ये गिरते भी नहीं है, वो अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है।
काफ़ी अच्छा यहाँ पे लुक है। सो इसको मैं पेयर कर लेता हूँ अपने मोबाइल से। पेयर करना भी काफ़ी आसान है, आप यहाँ से पहले इसको रीसेट कर लीजिए। रीसेट करने के बाद जैसे ही आप इसको ओपन करोगे यहाँ पे इसका ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने मोबाइल का यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन कर लेना है और ये यहाँ पे पेयर हो जाता है। तो मैं इसको कर लेता हूँ फटाक से, फिर देखते हैं इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं हम लोगों को। ये देखिए यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर इसकी बैटरी बैकअप की बात की जाए तो अगर आप इसको एक बार चार्ज करते हो तो अपने ईयरबड्स को चार घंटे यूज कर सकते हो, 3 से 4 घंटे आराम से इसको यूज कर सकते हो। साथ ही साथ इसका जो केस है यहाँ पे 4000 mAh की ये केस है, आप इसमें रख के इसको दोबारा चार्ज कर सकते हो, और जो कि इसमें बताया गया है कि 3 से 4 बार आप इसको फिर से चार्ज कर सकते हो। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसका जो प्ले टाइम आपको 20 घंटे का मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाता है और नॉइज कैंसिलेशन का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब नॉइज कैंसिलेशन आप बाहर की आवाज़ को नहीं सुन सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि जो मेरा एयरबड्स पहले वाला था उसमें थोड़ा सा ये डिले वर्क करता था, मतलब उतना अच्छा स्मूथली वर्क नहीं करता था, ठीक है थोड़ा धीमे से वर्क करता था, लेकिन ये वाले में काफ़ी अच्छा यहाँ पे नॉइज कैंसिलेशन का ये वर्क करता है। ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाता है आपको यहाँ पे, और ये वाटरप्रूफ भी है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा है। उतना ज़्यादा वाटरप्रूफ नहीं है लेकिन फिर भी, मतलब इसे बरसात में अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो स्मूथली आप इसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये रहा इसका बैटरी बैकअप के बारे में और नॉइज कैंसिलेशन के बारे में। अगर इसकी आवाज़ की बात करें तो वो भी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। सो चलिए कर लेते हैं इसके मतलब टच कंट्रोल के बारे में जान लेते हैं, इसमें टच कंट्रोल कैसे क्या वर्क करते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग इसके टच की बात करें तो अगर आप जैसे राइट वाले को डबल टैप करोगे तो यहाँ पे म्यूजिक जो है आप लोगों का प्ले हो जाएगा, ठीक, और अगर लेफ्ट वाले को डबल टैप करोगे तो यहाँ पे म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद अगर राइट वाले को आप थोड़ा सा होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट सॉन्ग प्ले हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, इसको मैंने ऐसे किया और उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट सॉन्ग आ गया, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं लेफ्ट वाले को थोड़ा सा होल्ड करके रखूंगा तो यहाँ पे प्रीवियस सॉन्ग आ जाएगा, जैसे कि मैंने इसको टच किया और उसके बाद ऐसे छोड़ दिया, ये देखिए, ठीक। अगर आप लोग गूगल असिस्टेंट या सीरी का यूज करना चाहते हो तो आप लेफ्ट वाले को ट्रिपल टाइप कर सकते हो, जैसे कि ये देखिए तो यहाँ पे गूगल असिस्टेंट आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर जैसे आप नॉइज के लिए नॉइज कैंसिलेशन मोड ऑन करना चाहते हो, ट्रांसपेरेंसी मोड, तो राइट वाले को ट्रिपल आप टैप कर सकते हो इस तरीके से, ठीक। उसके बाद अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के लिए आप जो है राइट वाले को जो है अगर 1 टच करोगे तो वॉल्यूम अप हो जाएगा, और लेफ्ट वाले को अगर 1 टच करोगे तो वॉल्यूम डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके जो सेंसर यहाँ पे वर्क करते हैं। सो ओके, सो गाइज आप लोग अब सुन रहे हो इसकी वॉइस, ठीक है। अब आप लोगों को जज करना है कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसकी वॉइस कैसी लग रही है, ठीक है। मैंने जो है इसको लगा लिया और इससे जो है अब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो अब आप लोगों को जज करना और कमेंट में बताना कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है। एक बार मैं इसका जो है ये अभी नॉर्मल मोड है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी मोड, ठीक, बाहर के भी थोड़ा हल्का फुल्का नॉइज है तो वो आप लोग समझ सकते हो, जैसे चिड़ियों की चहचहाट है वो सब कुछ है। तो अब मैं इसका एक नॉइज कैंसिलेशन मोड जो होता है उसको ऑन करता हूँ, उसके बाद सुनिएगा कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, ठीक है। देखते हैं एक बार, इसका मैं कर लेता हूँ, ये यहाँ पर नॉर्मल मोड हो चुका है, ये देखिए नॉइज कैंसिलेशन मोड जो है ऑन हो चुका है, ठीक। अब आप लोगों को जज करना है और इसकी वॉइस क्वालिटी को नीचे कमेंट करके मुझे बताना है कि कैसी है, ठीक है। सो आप लोग मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो अब आप लोग सुन रहे हो इसकी वॉइस, ठीक। इसी वक्त एक चीज़ और टेस्ट कर लेते हैं कि ये कान में फिक्स हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं रनिंग कर रहा हूँ, बाइक जा रही है, ठीक है, वो निकल जाए, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं रनिंग कर रहा हूँ तो क्या ये मतलब मेरे कान में फिक्स हैं, तो क्या गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। तो एक चीज़ मैं इसको भी टेस्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना हेड जो है पूरा शेक कर लिया हूँ, लेकिन ये अभी उसी की तरह जैसे मैंने पहले लगाया था उसी तरह फिक्स हैं, मतलब बिल्कुल भी हिले नहीं ना ही गिरे। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब एक जगह अगर लगा लो कान में तो एक बार तो फिक्स हो जाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, ठीक है, आप लोग बताना जरूर मुझे। तो दोस्तों ये रहा यहाँ पे नॉइज ईयरबड्स प्रो, मैंने इसका काफ़ी अच्छा रिव्यू दे दिया है और जो भी चीज़ें थी इसमें मैंने आप लोगों को सभी बता दिया। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना कि कौन सी चीज़ इसमें छूट गई है, वो मैं आप लोगों को कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को मैंने यहाँ पे फुल रिव्यू दिया, आप लोगों को मैंने ये भी बता दिया कि यहाँ पे ये जो हिंज दिया गया मेटल का दिया गया। मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो काफ़ी अच्छा स्मूथली यहाँ पे ओपन होता है। सो ये भी मैंने यहाँ तक कि बता दिया है, और यहाँ पे बॉडी जो है आपकी यहाँ प्लास्टिक दी गई है तो थोड़ा स्क्रैच का प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये यहाँ पे आपको जो है ये 2500 तक का यहाँ पे आप परचेस कर सकते हो, जो कि
बजट फॉर वैल्यू है, ठीक है। आप इसको जो है कम प्राइस में इसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोग यहाँ स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं, जैसे कि नॉइज कैंसिलेशन का मोड मिल जाता है और ट्रांसपेरेंसी मोड जो कि बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। अदर अगर आप देखोगे तो शायद ही कुछ अच्छे वर्क करें, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छा वर्क करता है, ठीक है। सो आप इसको अगर परचेस करना चाहते हो तो परचेस कर सकते हो। बाकी आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसकी आवाज़ क्वालिटी कैसी है, जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे सुनाया था, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे बताना कि कौन सी चीज़ छूट गई है, वो मैं आप लोगों को कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ रहा इसका फुल्ली रिव्यू। सो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।